मसौढ़ी में आए दिन साइबर अपराधियों ने किसी न किसी बैंक खाता धारक को अपना निशाना बनाते हैं। ताजा मामला लकीबाग मोहल्ले का है, जहां एक युवक के खाते से साइबर अपराधियों ने 50,000 की अवैध निकासी कर ली। पीड़ित का कहना है कि इस अवैध निकासी का उन्हें कोई मैसेज भी नहीं आया, लेकिन जब वे अपना खाता अपडेट कराने बैंक गए तो उन्हें इस बात की जानकारी मिली। मोतिहारी के केसरिया में अचानक आग लगने से कई घर देखते ही देखते जलकर राख हो गए। आग की चपेट में आने से एक दंपति बुरी तरह झुलस भी गए, जिसका इलाज स्थानीय क्लिनिक में कराया जा रहा है। पर स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। बगहा में बीते दिनों गंडक नदी में नहाने के दौरान डूबे दो बच्चों में से एक शव नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने एसडीआरएफ की टीम लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। दरअसल नहाने के दौरान डूबे बच्चों में से एक शव घटना के अगले दिन ही बरामद कर लिया गया, वहीं दूसरे का शव अभी तक नहीं मिल पाया है, जिससे लोगों में नाराजगी है। दो बच्चे नदी में डूब गए, फसल को समय पे सूचित किया गया, फसल का जो खेल चल रहा है वो सबके सामने है, सभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई कुछ कर नहीं रहा है। इतना हल्ला करने के बाद एसडीआरएफ की टीम आई, अपना खानी पूरी करके चली गई। जो जिसके घटना घटा है, जो लोग दुखित हैं उनके दुख से किसी को मतलब नहीं है, अपनी रोटी रोजी सेक रहे हैं। अगर ये समय पे एसडीआरएफ की टीम आई रहती तो जो आज एक शव के लिए सब लोग धर भटक रहे हैं वो शव मिल गया रहता। तो बच्चे